करते हैं कमाने के लिए। मदद करना भी आजकल लोगों ने एक बिजनेस कर रखा है ना, अच्छा बन के दिखाना है ऑल राइट, लेकिन मैं कमाती हूँ मदद करने के लिए। इसका प्रूफ ये है कि मेरा बैच पे बैच नहीं आते रहता है ना। नहीं तो मैं भी क्लासेस ले सकती हूँ, जितनी क्लासेस लूंगी यार उतने पैसे मिलेंगे मेरे को, बताओ फिर बैच पे बैच क्यों ना लूँ मैं, है ना। नहीं आता ना मेरा ऐसा, तो इसका मतलब कमाने पे फोकस नहीं, सिर्फ उतना कमाने पे फोकस है जिससे कि मैं मदद कर सकूँ, मैं जो अपना एनजीओ का काम करती हूँ वो कर सकूँ, ठीक है। एक बच्चा हमारा जो एक फैन क्लब वाला चैनल बनाया था, ठीक है, बहुत प्यारा सा बच्चा, बहुत अच्छा सा बच्चा, मैंने उसको 2-3 दिन पहले रिक्वेस्ट किया था। मैंने बोला भाई मेरे सुन, हमारा जो चैनल है ना उसको सुमन मैम फैमिली नाम रख दो, क्योंकि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ भाई, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लोगों को फेम का ये वो सबका लालच होगा, नहीं मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं एक बहुत छोटी सी टीचर हूँ जो अपने बच्चों का, जो भी मुझ पे विश्वास करते हैं उनके भविष्य को अच्छा करने की कोशिश करती रहती हूँ, प्रयत्न करती रहती हूँ, और जितना ही प्यार मैं करती हूँ उतना ही प्यार मेरे बच्चे भी करते हैं। तो मेरे बच्चे मेरे फैन नहीं है, वो मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है। तो इस चैनल का नाम सुमन मैम फैन क्लब के बदले सुमन मैम फैमिली रख लो, और उस बच्चे ने मेरी बात की अहमियत भी रखी और उसने उस नाम को चेंज भी कर दिया। तो आई वुड लाइक टू टेक दिस प्लेटफॉर्म टू थैंक माय स्टूडेंट फॉर हीरिंग टू माय रिक्वेस्ट, फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। वो चैनल बिल्कुल उसका है, सारी मेहनत उसकी है, ठीक है, लेकिन मेरी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और मैं बहुत लकी हूँ आप जैसे स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं।